आज भैया हमारी साइकिलिंग हो गई रेडी, मतलब फ्रेम रेम में फिक्स हो गई है कल की राइड के लिए। कल थोड़ी स्पेशल राइड है, कल मॉर्निंग में बताऊंगा मैं आपको कि राइड कहाँ की है और कैसी है, क्या करना है। अभी तक के लिए ये है, दिन भर परेशान हुआ आज इसके चक्कर में, सब कुछ अरेंज किया जो। गुड मॉर्निंग। तो आज राइड है 200 किलोमीटर भोपाल टू इंदौर। तो कल रात को जो तैयारी हो रही थी वो इंदौर से आने की थी, मतलब जाएंगे हम लोग साइकिल से, देन आएंगे हम कार से। इसलिए स्टैंड में वो लगा के देख रहे थे हम साइकिल वगैरह कि मतलब इजीली आ जाएगा या अदरवाइज दूसरी गाड़ी कैरी करें। सो अब चलते हैं अपन आगे। ये भोपाल सीहोर टोल पे फर्स्ट ब्रेक है हमारा 25 किलोमीटर पे। हर 25 किलोमीटर पे एक ब्रेक लेंगे, तो फर्स्ट ब्रेक यहाँ पर है, देन अगले 50 पे, 75 पे, देन ऐसे कर करके 100 पे, 125 पे, देन अगेन स्टार्ट करेंगे। सर रेडी करके हमारे दोस्त हैं, हमें मिले चौंके प्रजाति चौंके चौंके। अभी चालू नहीं किया मैं, करो करो। तो यहाँ पर सेकंड ब्रेक लिया है 50 किलोमीटर पे। ये किंग जोंग है हमारे साथ, हॉलमार्क ज्वेलरी। तो यहाँ से अगले आप 75 किलोमीटर पे ब्रेक लेंगे। रमन सम्रान। एक बार अपना नाम लिख नंदन सम्रान आकाश इंदौर इंदौर। पैरेट की तरह पैरेट की तरह लग रहा है आपका नाम। पैरेट पैरेट सेकंड टॉल आ गया है देवास भोपाल वाला। चिंता नहीं, अपन को नहीं और किसी को बोल रहा था। ये हमारा थर्ड स्टॉप है 75 पे। इसके आगे डोड़ी पे रुकेंगे हम लोग, थोड़ा सा एक ये सर मिले हुए, कुछ बातचीत चल रही है नंदन सर से। भाई काफी ठंडी है, ठंड बहुत है और अच्छी हवा चल रही है, ठंडी सर्दी का मजे ले रहे हैं, सर्दी के मजे आए हैं। भाई आग तो बुझी हुई है, अच्छा काफी है। तो 100 किलोमीटर हो गया कंप्लीट और ये डोडी पे हमने एक ब्रेक लिया है। ये हाईवे ट्रीट्स करके एक होटल है उसमें, तो अभी तक हम लोग इडली सांभर से निपटा चुके हैं और एक मिल्क। और अभी पोहा जलेबी के लिए गए रमरान भाई। भाई एक इधर दे दो, भाई हमारे बंदे को भी दे दो यार। मैं दे दूंगा ना, मेरे को दे देना। अस्सी
कि भाई ने पोहा कलेक्ट कर लिया, चलो चलो भाई। जलेबी अलग से क्यों दी इन्हें? मैंने बोला था बहुत सारी है। अच्छा ऐसा भाई, फिंगर चिप्स कहाँ दिए? उधर दिए भाई, कॉर्नर कॉर्नर में। हाँ कितनी देर बोल रहा है? बस देने वाले। नहीं मिल रहे? मिल गए, मिल गए ला रहे हैं बस। आ जाओ भाई। वाटर बॉटल? हो अंकल? अरे आप भर तो दो यार। अच्छा सही कर। हाँ वाटर बॉटल लेंगे ना आप? भाई ये ऑयल गर्म ही है। पाँच सौ में से दो दो नोट हुए तो इतना कुकर खाया इन्नो पेला इन्ने। अंकल सौ दो तो दे दो, दे दीजिए यार कुछ तो दे दीजिए। मतलब यार सौ दे नहीं दे रहे, पाँच सौ रुपये का गायब कर दिया। 480 रुपये है, 480 भाई। भाई भैया भैया ये भैया को दे दो। चलो भैया सर आ गई फिंगर चिप्स। अब ये कौन सी फिंगर है उन्होंने बताया नहीं, बट फिंगर चिप्स है। ये इडली सांभर तो उड़ा दिया हमने पहले ही। तो खाने पीने के बाद अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। चले भाई नेक्स्ट 120 पे रुकेंगे हम लोग, 125 पे। तब तक के लिए ब्रेक है। काफी ज्यादा ठूस लिया हम लोगों ने, जो बढ़िया चलेगा 150 तक तो काम आएगा, उसके बाद देखते हैं। कुछ एग वैग रखे हुए हैं मेरे पास, वो काफी होगा। तो अभी स्टॉपेज लिया है 150 पे डायरेक्ट। हाँ सर अब डायरेक्ट 50 किलोमीटर के बाद लिया, क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा हो गया था तो इतनी रिक्वायरमेंट लगी नहीं हमें। सामने देवास है, लेफ्ट साइड इंदौर है और राइट साइड उज्जैन है। उज्जैन और इंदौर सेम डिस्टेंस पे है तो जहाँ भी जा सकते हैं, पर हम लोग इंदौर जाएंगे क्योंकि हमारी इंदौर की प्लानिंग है। अभी यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में और फिर एक और स्टॉप लेंगे, उसके बाद कंटिन्यू। पहाड़ है बढ़िया है यहाँ पर, शायद कुछ प्लान चल रहा है एडवेंचर एक्टिविटी बनाने का, काफी बड़ा प्लान है। अभी देखो कब तक होगा, पर अभी तो ऐसा कुछ आसार नहीं दिख रहा है, आगे हो सकता है। ये एक स्टॉप शिप्रा नदी पे, पहले रुक गए हम थोड़ा क्योंकि नदी आ गई थी तो हमने कहा थोड़ा देख ही ले। चूक तो नहीं गई कहीं? पहले यहाँ पर विंडमिल लगी हुई थी तो वहाँ पर रुकने का प्लान था,
बट वो अभी शायद अंदर साइड शिफ्ट कर दी हर जगह, आगे देखते हैं शायद एक और पोर्शन में होगा तो फिर थोड़ा रुकेंगे, नहीं तो फिर कंटिन्यू। I-15 25 पे लेंगे एक ब्रेक, उसके बाद सीधे इंदौर कंप्लीट करेंगे राइड अपनी। मैंने एक वीडियो बनाया तुम लोगों का, तो उसमें वो हो रहा है, समझ गया मैं क्या हो रहा होगा, भूतिया टाइप का आ रहा होगा। DPS के सामने 200 हो गया था मेरा। देखा भाई, बात सुनो करो मेरी। अरे आपके सामने मैंने भाई क्या बोला था, DPS के बोर्ड पे 200 हो जाएगा। हाँ। बाकी डिकैथलॉन तो टाइम पास है। हो गया था ये? हमारे आकाश भाई 200 कंप्लीट कर लिए ऑफिशियली इन्होंने, और नंदन भाई ने 2020 में 200, नंदन भाई ने 2020 में 200, और ये हमारे बहुत ही बड़े बैकबोन सपोर्ट, इन्होंने भी कार से 200 करी अभी अभी, और अभी हमें लेके वापस जाएंगे यहाँ से। अभी हम डिकैथलॉन में शॉपिंग करेंगे और फिर जाएंगे। नहीं, पहले खाना खाएंगे। पहले कुछ खाएंगे, मेरे पराठे भी बचे हुए हैं, वो भी खाना है, वो मुँह की एक्सरसाइज के लिए। अभी डिकैथलॉन के अंदर आए थे सब लोग, परचेस, ये नंदन सर और हमारे जमरान भाई ने ले लिया जो बिलिंग करा रहे हैं। काफ़ी लोगों का सामान था हमारे ग्रुप में से। भाई क्या क्या ले लिया भाई? वो सब उसमें रखा हुआ डब्बे में। अच्छा, बॉक्स में है क्या? बढ़िया बना रखा है स्टोर था।